सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर कौन कौन सी ऐसे मेडिसिन होती हैं जो कि आपको अपने रेफरल सेंटर से इंडेंट करवानी पड़ती है। अब रेफरल सेंटर PHC भी हो सकता है आपका, CHC हो सकता है, तो वहाँ से आपको ये मेडिसिन इंडेंट करवानी पड़ती है। तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन सी मेडिसिन आपको अपने रेफरल सेंटर से ही इंडेंट करवानी पड़ती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ जहाँ पर हम आपको मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी देंगे। तो दोस्तों, ये वो मेडिसिंस हैं जो कि हमको हमारे रेफरल सेंटर, चाहे वो PHC हो चाहे CHC हो, वहाँ से इंडेंट करवाना पड़ सकता है। सो दिस इज़ द मेडिसिंस विच कैन बी इंडेंटेड बाय MLHP एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फ्रॉम रेफरल सेंटर एज पर रिक्वायरमेंट्स। अब जैसा कि क्या होता है, आप NCD की स्क्रीनिंग करते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ की हो चाहे हाइपरटेंशन की हो, तो उनके जो ये मेडिसिंस है आपको अपने रेफरल सेंटर से ही इंडेंट करवानी पड़ती है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिंस के बारे में। तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिंस के अंदर भी बहुत मेडिसिंस आती हैं, जैसे कि नॉर्मली हमारे सेंटर में कौन कौन सी मेडिसिंस अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि अम्लोडिपिन। तो अम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, 2.5 mg, 5 mg और 10 mg में। नेक्स्ट आता है एटिनोलोल। जो एटिनोलोल है बीटा ब्लॉकर है और बीटा ब्लॉकर में टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं 50 mg और 100 mg में। नेक्स्ट आता है एनालाप्रिल। तो ये है एक तरीके से ACE इनिबिटर्स यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। ये भी टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं जो कि 2.5 mg और 5 mg में। नेक्स्ट आता है प्रोप्रानोलोल। तो जो प्रोप्रानोलोल है एक तरीके से ये भी बीटा ब्लॉकर्स हैं, एटिनोलोल का ही सब क्लास है। तो ये भी टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं जो कि 40 mg, 80 mg और 10 mg में अवेलेबल होती हैं। अब बात करते हैं कार्डियोवेस्कुलर मेडिसिंस के बारे में जो कि एंजाइना में यूज़ की जाती है यानी कि चेस्ट पेन वाली कंडीशन में यूज़ की जाती हैं। तो चेस्ट पेन वाली कंडीशन में आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट यूज़ की जाती हैं जो कि टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं 5 mg और 10 mg में। जो आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट है एक तरीके से हमारे जो जब भी चेस्ट पेन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको वाइट कर देती हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो और चेस्ट पेन ना हो। उसके अलावा आती है क्लोपिडोग्रेल। तो क्लोपिडोग्रेल एंटी प्लेटलेट मेडिसिंस हैं जो कि 75 mg में अवेलेबल होती हैं टेबलेट फॉर्म में। नेक्स्ट आती हैं डायुरेटिक्स। अब डायुरेटिक्स में भी अलग अलग डायुरेटिक्स होती हैं जैसे कि फ्रुसेमाइड। अब फ्रुसेमाइड क्या है, लूप डायुरेटिक्स हैं जो कि टेबलेट फॉर्म में 40 mg में अवेलेबल होती हैं और ओरल लिक्विड फॉर्म में 10 mg पर ml के हिसाब से अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट आता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। अब हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड क्या है, थायाजाइड डायरोटिक्स है और ये टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है 25 mg में। नेक्स्ट आता है स्पायरोनोलेक्टोन जो कि पोटेशियम स्पायरिंग डायरोटिक्स हैं और ये भी टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं यानी कि 25 mg और 50 mg में। उसके बाद में हम बात करते हैं एंटी डायबिटिक मेडिसिंस के बारे में। अब एंटी डायबिटिक मेडिसिन में जैसे कि ग्लिमिप्राइड टेबलेट फॉर्म में 1 mg और 2 mg में, इंसुलिन अवेलेबल होता है इंजेक्शन 40 IU पर ml के हिसाब से, और उसके अलावा इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन इंजेक्टेबल फॉर्म में 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml के हिसाब से, प्रीमिक्स इंसुलिन 30:70 इंजेक्शन रेगुलर NPH इंजेक्शन होता है 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml के हिसाब से, मेटफॉर्मिन टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं 500 mg, 750 mg और 1000 mg में। और उसके बाद में हम बात करते हैं एंटी कन्वल्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिंस के बारे में। कभी कभी किसी को क्या होता है, दोहरा पड़ता है यानी कि जैसे कि मिर्गी का दोहरा,
तो उस कंडीशन में एंटी कन्वर्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। अब ये जो कन्वर्जन आते हैं किसी भी कंडीशन से हो सकता है, आपको ज़रूरी नहीं कि वो जन्मजाति ही हो, ठीक है। तो ये किसी भी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हेड इंजरी हो गया, ठीक है, या हाइड्रोसेफेलस हो गया, ठीक है, हेमेटोमा का फॉर्मेशन हो गया, तो उस कंडीशन में कन्वर्जन आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में कार्बामेज़ेपिन टेबलेट फॉर्म में 100 mg, डायज़ेपाम ओरल लिक्विड फॉर्म में 2 mg पर 5 ml के हिसाब से, फिनोबार्बिटोन टेबलेट फॉर्म में 30 mg की टेबलेट होती है और 60 mg की होती है, और ओरल लिक्विड में 20 mg पर 5 ml के हिसाब से अवेलेबल होती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं फेनाटोइन के बारे में, टेबलेट फॉर्म में 50 mg, 100 mg और 300 mg में अवेलेबल होती हैं, और ER टेबलेट में 300 mg में, जबकि इंजेक्टेबल फॉर्म में 25 mg पर ml और 50 mg पर ml के हिसाब से अवेलेबल होती हैं। अब बात करते हैं सोडियम वॉल्परेट के बारे में, तो सोडियम वॉल्परेट भी एक तरीके से एंटी कन्वर्जेंट ही है, तो उसको एंटी मेनिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं 200 mg और 500 mg में। अब बात करते हैं COPD के बारे में, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, तो उसमें आपके सेंटर में सालबुटामॉल अवेलेबल होना चाहिए, ये टेबलेट फॉर्म में, जैसे कि 2 mg की टेबलेट और 4 mg की टेबलेट में, और ओरल लिक्विड में 2 mg पर 5 ml के हिसाब से अवेलेबल होना चाहिए, और उसके अलावा रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन फॉर यूज़ इन नेबुलाइज़र 5 mg पर ml के हिसाब से होना चाहिए, और उसके अलावा इनहलेशन में 100 μg पर डोज के हिसाब से अवेलेबल होना चाहिए। जितने भी मेडिसिन हैं हमको रेफरल सेंटर से इसलिए इंडेंट करवाना पड़ता है क्योंकि जो भी हम NCD की स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे पेशेंट पॉजिटिव आते हैं, दैट मीन्स किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, किसी का शुगर बढ़ा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में हम उन मरीज़ों को रेफरल सेंटर में रेफ़र करते हैं। तो रेफरल सेंटर में वहाँ पर पूरा चेकअप होने के बाद में उनको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है, तो जो प्रेस्क्रिप्शन स्लिप्स होती हैं उसी प्रेस्क्रिप्शन स्लिप को अगर वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर लेकर आते हैं तो मेडिसिन उनको वहाँ पर हम दे सकते हैं। तो जो पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अनुसार वही मेडिसिन हमको हमारे रेफरल सेंटर से इंडेंट करवाना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।